गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ तन्वी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेस। आज 2 अक्टूबर 2018 के द हिंदू ट्यूटोरियल वो कैप्स डोज के साथ हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में प्रिपेयर किए हैं, ताकि जो भी आप ट्यूटोरियल पढ़ते हैं द हिंदू के, उसके वो कैप्स जिसे समझने में आपको प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं, उसे आप इस पूरे वीडियोज़ के थ्रू आप उन वर्ड्स को देखेंगे, समझेंगे उनके यूजेस कैसे होते हैं, सिनोम्स क्या होते हैं, एंटीनोम्स क्या होते हैं, और आप उस पर एनालाइज कर पाएंगे उस रिटोरियल को। रोज़ के हमारे जो डेली के न्यूज़पेपर होते हैं उनके बेस पे ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे सारे सबसे पहले सारे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनको जानने के लिए, जितने वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग वोकैब्स, जो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, 10 वोकैब्स इन ट्यूटोरियल से डिस्कस करेंगे, उनके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन सिनोम्स, एंटीनोम्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। कमिंग टू द फर्स्ट वर्ड, दैट इज एक्सप्लिसिट, मीन्स स्पष्टता, ये एक एडजेक्टिव, एंड द मीनिंग इज क्लियर एंड एग्जैक्ट, किसी चीज़ को एकदम क्लियरिटी के साथ और ट्रांसपेरेंट होकर के स्पष्ट रूप से अगर किसी को आप एक्सप्लेन करते हैं उसे एक्सप्लिसिटली बोलते हैं। एंड द सिनोम्स आर डेफिनेटली, एक्सप्रेसिवली, क्लियरली, कंप्लीटली। एंटोनिम्स आर एमलेसली, आर्गुएबली, इम्प्लिसिटली। And the example is, I gave her very explicit direction how to get here. Second one is turbulence, means ugrata, noun, and the meaning is a state of confusing without any order. अगर कभी कभी ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप जो हैं वो एग्रेसिवली कभी कभी फील करते हैं या फिर एक्ट करते हैं, उसे हम लोग टर्बुलेंस बोलते हैं। द सिनोम्स आर commotion, tumult, hesitation, turmoil. Antonyms are stillness, serenity, tranquility. And the example is, there are signs of turbulence ahead for the economy. Third one is beleaguered, means घेरा हुआ, adjective, and the meaning is having a lot of problems or difficulties. जब कोई व्यक्ति या कोई इंसान जो है चारों तरफ से किसी problem से घिरा रहता है उसे beleaguered बोलते हैं। Synonyms are embattled, annoyed, beset, worried. And the antonyms are aided, dashing, frosty, supported. And the example is, as a candidate, she had promised tax relief for the beleaguered middle class. Fourth one is debenture, means ऋण का स्वीकार पत्र या प्रतिज्ञापन भी बोलते हैं। Noun and the meaning is a type of loan often used by companies to raise money that is paid back over a long period of time and at a fixed rate of interest. जब कभी कभी किसी एक तरह का लोन होता है, हम लोग जब कभी किसी कंपनी से लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो उसे जब लॉन्ग टर्म के लिए, टाइम के लिए हम लोग लेते हैं और उसमें पेमेंट करते हैं फिक्स्ड अमाउंट सर्टेन इंटरेस्ट पे, उसे ही डिबेंचर बोलते हैं। यानी कि जब पैसे आपको उसके जो सत्यापन होता है पैसे लेने के बाद, ऋण जब स्वीकार करते उसका पत्र होता है, उसे हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। द सिनोम्स आर ड्राफ्ट, वाउचर एंड मॉर्टगेज। एंटोनिम्स आर इम्प्यूनिटी, tenure, secure bond. Example is, he could not for a fortune have defined that the difference between a debenture and a share. Fifth one is leveraging, means apni paristhiti ka fayda uthana. Noun and the meaning is power to influence people and get the result you want. जो आप result चाहते हैं वैसा ही लाना, यानी कि हवा को अपने हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ना, इसे हम लोग लेवर्जिंग बोलते हैं। यानी कि जो ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। सिनोम्स आर इन्फ्लुएंस, क्लाउट, अथॉरिटी, स्वे। एंटोनिम्स आर चार्टर, इन्फीरियरिटी, ट्रेड, डाउनसाइड। एंड द एग्जांपल इज, इफ द यूनाइटेड नेशन हैड मोर ट्रूप्स इन द एरिया इट वुड हैव ग्रेटर लेवरेज। सिक्स वन इज नॉक्सियस, मीन्स अस्वास्थ्यकर या फिर हानि पहुंचाने वाला। एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट। सिनोम्स आर ऑफेंसिव, बेनफुल, डिस्ट्रक्टिव, फाउल। इफ वी टॉक अबाउट द एंटोनिम्स, इट इज हेल्पफुल, क्यूरेटिव, हार्मलेस, इनॉक्सस। एंड कमिंग टू द एग्जाम्पल, दैट इज दे डाइड फ्रॉम इनहेलिंग नॉक्सियस फ्यूम्स। सेवेंथ वन इज स्केप्टिकल, मीन्स अविश्वासी, असहेद, संदेहवादी। एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज डाउटिंग दैट समथिंग इज ट्रू और यूजफुल।
आपको संदेह होता है कि क्या वो सही है या फिर वो यूज़फुल है या नहीं है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं संदेह की भावना उसमें होती है, उसे एक्सपेक्टिकल बोलते हैं। सिनोम्स आर एक्सपेक्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल, ट्यूबियस। एंटोनोम्स आर डिसीरियस, डिजायरस, ट्रस्टफुल, डिक्लेरेटरी, लॉयल। एंड द एग्जाम्पल इज मनी एक्सपर्ट्स रिमेन स्पेक्टिकल अबाउट हिज क्लेम्स। एट वन इज नज, मीन्स कोने से या फिर आप बोल सकते हैं कोने से हल्का धक्का देना या पुश करना। वर्ब एंड द मीनिंग इज टच और पुश जेंटली और ग्रेजुअली। सिनोम्स आर फोर्स, पोक एट, एल्बो, जॉग। एंटोनोम्स आर फुल, सेंट्रिपिटल फोर्स, रिपल्सन। एंड द एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रन वर गिगलिंग एंड नजिंग ईच अदर। नाइन्थ वन इज प्रोएक्टिव, मीन्स अग्रसक्रिय एडजेक्टिव। एंड द मीनिंग इज टेकिंग एक्शन बाय कॉजिंग चेंज एंड नॉट ओनली रिएक्टिंग टू चेंज व्हेन इट हैपन। सिनोम्स आर इंटरप्राइजिंग, विग्रस, प्रोडक्टिव, डायनेमिक। एंटोनोम्स आर आइडल, क्वाइट, लेदन, स्लगिस। एग्जाम्पल इज कंपनीज आर गोइंग टू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। टेंथ वन इज स्टबल, मीन्स चारा। नाउन एंड द मीनिंग इज द शॉर्ट टर्म स्टेम लेफ्ट आफ्टर अ क्रॉप सच एज वीट एज बीन कट। देखते हैं जब कभी कभी फसल कटती है तो आधे कटती हैं, छोटे छोटे जो उसके स्टल्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो आपके या स्टेम्स होते हैं वो फील्ड में ही लगे रह जाते हैं, जिसको मवेशी जो हैं वो खाते हैं उनके लीव्स को या फिर उनके स्टेम्स को, उसे हम लोग स्टबल कहते हैं। सिनोम्साइक एलोसिव, इंसीडियस, एस्ट्यूट, फाइन। एंटोनोम्स आर नेव, ऑब्वियस, कैंडिड। एंड द एग्जाम्पल इज इन द डिस्टेंस अ विस्प ऑफ स्मोक रोज फ्रॉम बर्निंग स्टबल। एवरेस्ट क्लासेज इज स्टार्टिंग द न्यू बैच फॉर द इंग्लिश स्पोकन एंड द टाइमिंग इज 10 a.m. to 12:30 p.m. दिस इज अ 3-month कोर्स एंड द की फीचर्स ऑफ दिस स्पोकन क्लासेज आर कम्युनिकेशन इंग्लिश। वी आर फोकसिंग ऑन द कम्युनिकेशन इंग्लिश बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड क्लासेज एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन द फोनेटिक्स डैट विल हेल्प यू टू प्रोनाउंस द वर्ड केयरफुली एंड हाउ टू प्रोनाउंस विच पार्ट ऑफ द माउथ इज यूजिंग टू प्रोनाउंस द वर्ड। एंड ए स्पेशल क्लास फॉर द PDN interview आर going on with these classes. And the next batch is going on from Monday, 8th October 2018. For any queries, call us on 9334489006. 9334489006. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the latest videos. Thank you.